हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी शैल स्टार्ट अवर चैप्टर विद टॉपिक ग्रिड सिस्टम, तंत्र योजना। ए नेटवर्क ऑफ द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्टिंग ईच अदर इज कॉल्ड ए ग्रिड। एक अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल जो परस्पर एक दूसरे को काटती हैं, उसे हम ग्रिड कहते हैं, तंत्र कहते हैं। ईच प्लेस ऑन द ग्लोब इज इंटरसेक्टेड बाय वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइंस। ग्लोब के ऊपर जो प्रत्येक स्थान है वो लंबवत और समानांतर रेखाओं से परस्पर काटा जाता है। दस विद द हेल्प ऑफ दीज टू सेट्स ऑफ लाइन और द ग्रिड सिस्टम द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस कैन बी डिटरमाइंड। इस प्रकार इन दो प्रकार की जो लाइनें हैं उनकी मदद से या इस तंत्र योजना की मदद से किसी भी स्थान की स्थिति को निर्धारित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नासिक इन महाराष्ट्र इज लोकेटेड एट एन इंटरसेक्शन ऑफ 20 डिग्री नॉर्थ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड 74 डिग्री ईस्ट लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। उदाहरण के लिए दे रखा है कि जो महाराष्ट्र है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब देखो, ये हो गया ग्लोब में दिखा रखा है ना, तो इसमें हम देखेंगे ये तो हो गई इक्वेटर, इक्वेटर के बाद पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जो समांतर रेखाएं लगती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, जो ये वर्टिकल लाइन लंबी लाइनें यूं लगती हैं, इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। अब ये एक दूसरे को परस्पर काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं ये, तो इन्हीं से किसी प्लेस की लोकेशन हम डिटरमाइन करते हैं, पता लगाते हैं। अब उदाहरण दे रखा है, मान लो नासिक जो है महाराष्ट्र में, यहाँ से हम करते हैं मान लो, तो ये है, ये लैटिट्यूड हो गई और ये लॉन्गिट्यूड हो गई, तो ये 20 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर, जैसे ये लॉन्गिट्यूड हो गए तो 20 डिग्री, जैसे यहाँ पर यूं आएंगे तो 20 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर और 74 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर इसकी लोकेशन होगी, 20 डिग्री लैटिट्यूड और 74 डिग्री लॉन्गिट्यूड।